तो दोस्तों, जैसे कि इस साल का सबसे बड़े लंच इवेंट वो भी एप्पल की तरफ से हो चुकी है, खास करके मैं स्पेशली टेक कैटेगरी की बात कर रही हूँ। एंड नाउ अब बड़ी इज सैमसंग, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के अंदर हमें क्या कुछ स्पेशल देखने को मिलने वाला है एंड आम जनता के लिए सैमसंग क्या कुछ यहाँ पर स्पेशलाइज हार्डवेयर के साथ बेहतरीन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सारे के सारे दोस्तों आज हम खोल कर बात करने वाले, ठीक है दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाले। सो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं इसका जो डिजाइन पैटर्न है, किस तरीके से डिजाइन पैटर्न हमें देखने को मिलने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है S22 अल्ट्रा के बाद वही सेम डिजाइन लैंग्वेज को S23 अल्ट्रा के अंदर कैरी फॉरवर्ड किया गया है और वही सेम डिजाइन को इस बार भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो जो चेंजेस होने वाला है, फ्रंट में जो इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले आपको देखने को मिलते हैं सैमसंग के फोन के अंदर, उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाएगा। एंड जितना मेरे को लग रहा है जो अंडर डिस्प्ले कैमरा Z5 प्रीमियम के अंदर आपको, प्रीमियम नहीं सॉरी Z5 फोल्ड के अंदर आपको देखने को मिला है इसी साल के अंदर, वो चीज़ तो नहीं सैमसंग प्रोवाइड करने वाला, क्योंकि ये फ्लैगशिप फोन है एंड खास करके एस सीरीज कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होता है। तो अंडर डिस्प्ले जो कैमरा है वो इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि आपको एक बेहतरीन इंस्टा फोटो वो कैप्चर करके आपको प्रोवाइड करे, तो इसलिए जो है इन्फिनिटी वही देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो है थोड़ा सा जो है उसका साइज को छोटा कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों जो रेजोल्यूशन है वही सेम एक 2K AMOLED पैनल विथ 120Hz LTPO यानी कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ इस पर भी ऑफर किया जाएगा। एंड थोड़ा बहुत यहाँ पर टेक्निकली जो है बैटरी के साथ और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया जाएगा। एंड नाउ जो मेन चीज़ यानी कि चिपसेट कौन सा रहने वाला है, तो सैमसंग की तरफ से Exynos 2400 आएगा। दोस्तों यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात मेरे को तो नहीं लग रहा है कि होने वाला है, क्योंकि सैमसंग TSMC से अपना 3nm बेस्ट प्रोसेसर तैयार कर रहे हैं। तो इस बार हो सकता है Exynos में जो हीटिंग इशू था वो काफ़ी हद तक सॉल्व करी जाएगी एंड साथ ही साथ जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 उसका भी वेरियंट आएगा। एंड जो बैटरी आपको देखने को मिलेगा 5000 mAh की बैटरी एंड जो पीक ब्राइटनेस 1750 nits एंड एडिशनल 250 nits ऑन द टॉप आपको मिलने वाला है एक्स्ट्रा ब्राइटनेस के तौर पे। एंड जो कैमरा है दोस्तों वो 200 MP का हो सकता है, HP Gen 3 प्रोसेसर दिया जा सकता है 10x ऑप्टिकल के साथ 3x यहाँ पर जो है जूम, हाइब्रिड जूम आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ जो यहाँ पर है और भी कुछ हार्डवेयर इंटीग्रेशन के साथ One UI 6.1 आउट ऑफ द बॉक्स ऑफर किया जाएगा। एंड जो प्राइस है दोस्तों USA के अंदर $1200 के आसपास रहने वाले। तो फिलहाल के लिए यही कुछ था जो फीचर्स या फिर क्या कुछ हमें S24 अल्ट्रा के अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि एकदम जेन्युइन। अगर मैं चाहता तो इस वीडियो को और भी ज़्यादा लंबा कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा ही नहीं किया, क्योंकि आप लोग भी मेरा सब कुछ हो और जितना जेन्युइन होता है उतनी आपको मैं कोशिश करता हूँ इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो आई होप दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। एंड अपना जो पर्सनल ओपिनियन है इसी गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के बारे में, अगर आप एक सैमसंग लवर हो तो एक कमेंट तो दोस्तों दे। सो बाय बाय दोस्तों, नमस्कार है।